सांस लेते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन वापस। इनहेल स्ट्रेच योर नेक अप, एक्सहेल स्ट्रेच योर नेक डाउन। थ्री, एक्सहेल डाउन। फोर, एक्सहेल डाउन। एंड फाइव, एक्सहेल डाउन। Inhale center, exhale sideways bend, and one, change two, three, four, five, and center sideways twist करेंगे, chin को मोड़ेंगे कंधे की ओर, two. थ्री, सांस छोड़ते हुए साइड पे, सांस लेते हुए बीच में, फोर एंड फाइव एंड सेंटर। वी रोटेट द नेक इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिवली। ऑलराइट, इनहेल, एक्सहेल, नेक गोज डाउन। इनहेल, बिगिन टू रोटेट योर नेक बैकवर्ड, एक्सहेल फॉरवर्ड। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, विपरीत दिशा में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, टेकिंग योर हेड बैक, स्ट्रेचिंग कंप्लीटली एंड ब्रिंगिंग इट बैक विद एन एक्सहेलेशन। वन मोर सेट, एक बार और कर जाएंगे पूरा गोलाकार, घुमाए गर्दन को clockwise and anti-clockwise and center. Now, from here, inhale, stretch your shoulders up, exhale, drop. Three, two, and one. यहीं से हथेलियों को सामने की ओर करेंगे, कोहनियों को अपनी कमर के साथ टाइटली लगाएंगे, right? Elbows to your waist closely, tightly maintaining there, palms facing front. Inhale, bend your elbows and palms go towards your shoulder. Exhale, slowly relax, right? ये एकदम छटके से ऊपर आएगा inhalation के साथ, exhale धीरे से आराम से वापस। इसी प्रकार सांस भी चलेगी, छटके से inhalation और धीरे से लंबा गहरा सांस बाहर। कोहनियों के पास प्रेशर महसूस होगा, कंप्लीटली ओके। अनदर थ्री टाइम्स, देखेंगे हाथ को, हथेलियों को कंधे की ओर मोड़ेंगे नहीं इस तरह से, ठीक है? हथेलियां सीधी रहेंगी, कलाई सीधी रहेगी, बेंड नहीं करेंगे, ठीक है? थ्री टू वन एंड साइडवेज, यहीं से हाथों को ले जाए कंधों के तल पर और हथेलियां आसमान की ओर। अगेन, शोल्डर टू एल्बो मेंटेन एट योर प्लेस, कंधे से लेके कोहनी तक का हिस्सा यहीं अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ कोहनी से लेके कलाई तक का हिस्सा मुड़ेगा, ठीक है? एंड वन टू थ्री फोर, देखेंगे बाजू को झुलाना नहीं है इस तरह, पूरा नहीं करना, नीचे नहीं ऊपर नहीं ज्यादा, ठीक है? फ्रॉम योर एल्बो टू योर शोल्डर मेंटेनिंग एट अ प्लेस एंड बेंडिंग फ्रॉम योर रिस्ट, फोल्डिंग फ्रॉम योर रिस्ट, नॉट इवन बेंड, फोल्ड करेंगे। यस, थ्री टू एंड वन, नाइस एंड इजी एंड इन फ्रंट, सामने की ओर कंधे के सामने एंड यहां से अगेन मेंटेनिंग शोल्डर टू एल्बो एट इट्स प्लेस एंड यहां से फोल्ड। राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ऑलराइट, अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स, हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे और यहां से सर के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है? देखेंगे आपका जो सर है वो आपकी दोनों बाजुओं के एकदम बीच में है, ना आगे ना पीछे, ठीक है? यहीं पर बीच में रखेंगे और फिर से सांस भरेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे शरीर को, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड। Inhale up,
एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगेन देखेंगे कि पीछे जाते वक्त कोहनियां खुलेंगी नहीं, कोहनियों को बाजू को अपने कानों के पास बना के रखेंगे, ठीक है। दैट विल इंक्रीज द स्ट्रेच, इंक्रीज द प्रेशर अराउंड योर आर्म्स। धीरे से करेंगे सो दैट झटके से करेंगे तो ये मूवमेंट मिस हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ठीक नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जाएंगे और बाजुओं को अपने कानों के पास बना के रखेंगे। मेंटेन द आर्म्स बाय द साइड ऑफ योर इयर्स, स्लोली इनहेलिंग अप, स्ट्रेचिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन एंड गोइंग बैक, टू एंड वन। एंड हियर टर्न योर पाम्स अप, टर्न योर पाम्स अप, इंटरलॉक, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप, मेंटेन एंड टेक अ बिग सर्कल बिहाइंड योर बैक। पीछे से अंगड़ाई लेते हुए पूरा शरीर को खींचते हुए रिलैक्स। और यहीं से थोड़े से हम इजी स्ट्रेचेस में जाएंगे, ठीक है। इजी स्ट्रेचेस में जाने के लिए हम सबसे पहले दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों घुटनों को अपने नितंब के नीचे रखेंगे, ठीक है। हाथ ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, और घुटने भी ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा पीछे नहीं, आपके बटक्स के नीचे, ठीक है। कंफर्टेबली गैप रखेंगे नीज के बीच में, पैर फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऑलराइट, नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू इनहेल, स्ट्रेच योर नेक अप, कंफर्टेबली एक्सहेल, स्ट्रेच इन, इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल, स्ट्रेच इन। कपाली योगा की तरफ बढ़ रही है तो कोई कठिनाई नहीं, नो एक्स्ट्रा पेन, नो एक्स्ट्रा स्ट्रेच, सिंपली डूइंग व्हाट द बॉडी फील्स गुड। जो भी करने में, जिस भी प्रकार करने में शरीर को अच्छा लगता है, बॉडी को अच्छा फील होता है, उस तरह से स्ट्रेच को आप पर्सनली मॉड्यूलेट कर सकते हैं। And one more time, inhale, stretch up, exhale, stretch in. Right? Now, धीरे से अपना पहले देखेंगे इसको, फिर साथ में करेंगे, ठीक है। धीरे से वेट जो है लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से लेके जाते हुए कंधे पर लेकर जाएंगे और खींचेंगे राइट हैंड को आगे। लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, राइट हैंड शोल्डर के साथ यहीं पर होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे और लेफ्ट साइड से करेंगे। मैं एक बार लेफ्ट साइड से भी दिखा रही हूँ सो दैट वापस आना क्लियर हो जाए। लेफ्ट साइड से हाथ ऊपर, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे से होते हुए कंधा जमीन पर और राइट हैंड आपका सर के ऊपर, यहीं पर मेंटेन करेंगे और फिर वापस आने के लिए राइट हैंड को अपने सर के सामने रखेंगे, राइट हैंड पे प्रेशर बनाएंगे और ऊपर एंड पास, ठीक है। अगेन क्योंकि हम कृपालु योगा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं देना, उतना करना है जितना अच्छा फील हो रहा है। तो इनकेस यहाँ तक नहीं जाया जाता पूरा कंधे तक, तो आप कोहनी तक भी जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हेन यू ओपन द राइट आर्म अप, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन योर शोल्डर you go on your elbow and open this arm up, right? फिर ये वाला हाथ ऊपर, elbow नीचे और right hand up, ठीक है? Whichever feels more comfortable, whichever feels better, do that, ठीक है? दो set करेंगे हम, एक set में पहले elbow के ऊपर जाएंगे, फिर second set में जिनको easy लग रहा है वो फिर shoulder पे जाएंगे, ठीक है? शुरू करेंगे, हाथों को कंधों के नीचे, लंबा गहरा सांस। Breathe and relax your body. Again, this looks a little tricky. This looks a little difficult, but it is very relaxing. Okay? All right. Shift your weight on left hand. Right hand opens up. Right elbow bend करेंगे, जमीन पे रखेंगे. Left hand comfortably opens up. चाहे तो right left hand को ऊपर रखे, चाहे तो वो अपने शरीर के अराउंड wrap करे. जो भी कंफर्टेबल लगे, राइट। और करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लेफ्ट हैंड ऊपर और यहीं से लेफ्ट हैंड को मोड़ते हुए
जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट एल्बो ऑन द ग्राउंड, इनहेल अप ऑल थ्री, ऊपर वाले हाथ को खींच के रखेंगे ऊपर की ओर, 5 4 3 2 1 एंड बैक। ऑल राइट, सेंटर वन मोर टाइम। इफ दिस वॉज ओके, यू आर फ्री टू कस्टमाइज इट, यू आर फ्री टू चेंज इट स्लाइटली एज पर योर ओन बॉडी कैपेसिटी। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे करना है, जैसे भी सपोर्ट लेके बॉडी को अच्छा लगता है सिमिलर मूवमेंट के अराउंड आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए एक स्टेप और करेंगे आगे की ओर, राइट हैंड इनहेल्स ओपन अप एंड गोज थ्रू योर लेफ्ट हैंड, राइट शोल्डर ऑन द ग्राउंड, लेफ्ट हैंड स्ट्रेचेस अप, होल्ड करेंगे यहीं पर, 5 4 3 2 1 स्लोली लेफ्ट हैंड को सर के सामने रखेंगे, जमीन पे प्रेस करते हुए लेफ्ट हैंड के सहारे से वापस राइट साइड की ओर चलेंगे, लेफ्ट हैंड ओपन अप, लेफ्ट हैंड बेंड्स गोज थ्रू द राइट हैंड, लेफ्ट शोल्डर ऑन द ग्राउंड, राइट हैंड स्ट्रेचेस अप एंड ब्रीथ मेंटेन, 5 4 3 2 1 राइट हैंड कम्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस, राइट हैंड को चेहरे के सामने रखेंगे, राइट हैंड पे प्रेशर बनाकर उठ के वापस सेंटर में पीछे की ओर जाएंगे, सेटल ऑन योर हील्स एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड, ब्रीथ एंड रिलैक्स, ब्रीथ एंड यहीं से धीरे से वापस आएंगे और सेंटर में बैठेंगे, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की ओर चलेंगे। डीप ब्रीदिंग के लिए सांस को इस बारी हम नाक से लेंगे और धीरे से मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है। यहीं पे ही रिलैक्स करेंगे, नाक से सांस लेंगे लंबा गहरा, छोड़ेंगे, बीच बीच में छोटा छोटा वेरिएशन में देती रहूंगी सांस के साथ, उसको साथ साथ करेंगे, ठीक है। हाथ रखेंगे प्राण में, अपने अंगूठे को, अपनी छोटी उंगली और अपने रिंग फिंगर को साथ में मिलाएंगे, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर साथ, ठीक है। कंफर्टेबली चाहे तो प्राण मुद्रा में रखें, चाहे तो ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो उसमें रखेंगे, ठीक है। किसी भी मुद्रा में रखेंगे और हथेलियां आसमान की ओर, ठीक है। हथेलियों से हम लोग एनर्जी जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम जब मेडिटेटिव पोज में जा रहे हैं, हीलिंग पोज में जा रहे हैं, वी आर ओपन टू एक्सेप्टिंग द एनर्जी, राइट। तो इसलिए इनको नीचे की ओर नहीं रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, ऊपर रखेंगे ध्यान मुद्रा में, प्राण मुद्रा में, जिस भी प्रकार कंफर्टेबल, ठीक है। धीरे से आंखें बंद कर लें, शुरू करेंगे लंबा गहरा सांस, ध्यान लेके जाएंगे अपना पेट की ओर, सांस भरते हुए देखेंगे पेट को बाहर की ओर आते हुए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर, नाक से सांस लेंगे, धीरे से मुंह को गोलाकार बनाएंगे और वापस छोड़ते सांस, ध्यान लेकर जाएंगे अपने पेट से अपने छाती की ओर, इस बारी सांस लेंगे तो देखें पेट कैसे फूल रहा है, छाती कैसे ऊपर की ओर आ रही है, मुंह से सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस, अगली श्वास में ध्यान पेट के साथ छाती पर और छाती से ऊपर कंधों तक, लंबा गहरा सांस,